हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। बहुत दिन से यूट्यूब पर क्लास बंद था और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास बंद था। तो आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट दो वैल्यूम में बनाए थे, वैल्यूम वन और वैल्यूम टू। हम जब वैल्यूम वन लाए थे तो आपसे प्रॉमिस किए थे कि वैल्यूम वन जो होगा वह लाइव डिस्कशन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो आज हम लोग वैल्यूम वन में सेट नंबर 6 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन एरर है तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। जो हमारा दो मॉडल प्रैक्टिस सेट बना है वैल्यूम वन वैल्यूम टू, अगर वैल्यूम वन में 75+ नंबर आ रहा है तो आप रिजल्ट के करीब हैं, रिजल्ट हो सकता है। और वैल्यूम टू बहुत टफ बनाए हैं सेट, वो जो ट्यूबल ऑपरेटर है उसके ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अगर उसमें 65+ भी नंबर आ रहा है, 60-70 भी नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। आपको मालूम है कि बोरिंग टेक्नीशियन के हम लोग 4 बुक प्रकाशित किए हैं। एक बुक ये है, एक बुक ये है और ये है आपको सब्जेक्टिव पढ़ने वाला है। 4 बुक प्रकाशित किए हैं और जिनको ऑर्डर करना है वह आप 9 बजे से पहले करिएगा ना तो डेली बुक पार्सल हो रहा है, डेली आपको कर दिया जाएगा। अभी क्लास चल रहा है, 9 बजे के बाद अभी क्लास खत्म होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है? देखिए कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है, जैसे डिवाइस है, होल्डिंग डिवाइस है, अब होल्डिंग डिवाइस सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि सिलेबस में नहीं पढ़ना है तो क्यों दे दिए? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2015-16 में जो पेपर 14-15 में जो पेपर हुआ था बोरिंग टेक्नीशियन के, वहां मीटर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इलेक्ट्रिकल मीटर से। पाइप फिटिंग सिलेबस में नहीं था, पाइप फिटिंग भी सिलेबस में पूछा गया था। मोटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आउट ऑफ सिलेबस भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए लोग जो ऑफलाइन यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सिलेबस तो पढ़ा ही रहे, सिलेबस के अलावा आपको करीब करीब पूरा फीटर पढ़ा दिया जा रहा है, मोटर मिलिंग मशीन पढ़ाया जा रहा है। चलिए, वाइस के बॉक्स नट किस मटेरियल का बना होता है? जो बॉक्स नट जो होता है वह जनरली किस मटेरियल का बना होता है? देखिए, अगर ऑप्शन में गन मेटल होता, क्या होता? ऑप्शन में अगर गन मेटल होता, अगर गन मेटल होता तो बॉक्स नट जनरली गन मेटल का बना होता है। लेकिन गन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वह फास्फोरस ब्रॉन्ज का होता है, अर्थात वाइस में जो बॉक्स नट बने होते हैं वह फास्फोरस ब्रॉन्ज का। अगर फास्फोरस ब्रॉन्ज के जगह गन मेटल होता है तो पहले गन मेटल को हम लोग प्राथमिकता देते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, सामान्य कार्य हेतु किसी बेंच वाइस को निम्न ऊंचाई पर बांधना चाहिए। बेंच वाइस यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। हेलो हेलो विपिन, ए विपिन एक मिनट। अरे विमल फोन कर रहा है, उसको जाके ले चलो। तेल है? हाँ होगा, 200 के लिए चौक सकते। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वाइस जो है, देख लीजिए थोड़ा सा, फोन कर लो पहले, कहाँ है वाइस जो है, वाइस की ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं, वाइस जो करते हैं ना, तो ये कोहनी का जो ऊंचाई होता है ना उतना बराबर आपको वाइस की ऊंचाई रखना चाहिए, या 3.5 फुट रखना चाहिए, 3.5 फुट रखना चाहिए, या 42 इंच रखना चाहिए, या 106 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यह तीनों ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन भी है। ये लो फोन आ रहा है, बात करो, मोबाइल यहाँ रखना। कुहनी के ऊंचाई के बराबर हो,
या 3.5 फुट हो या 42 इंच हो या 106 सेंटीमीटर हो, यह तीनों चारों में से जो होता है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीजल का निर्माण प्रयुक्त होता है। चीजल जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, चीजल जो है यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। चीजल जो है यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, पेपर जनवरी में होगा जी। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जनवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि आचार संहिता से एग्जाम प्रभावित नहीं होता है। नया नोटिफिकेशन प्रभावित होगा, नया वैकेंसी प्रभावित होगा, लेकिन एग्जाम प्रभावित नहीं होगा। एग्जाम कब प्रभावित होता? जब जनवरी में चुनाव होता और जनवरी में ही आपको एग्जाम डेट रहता, तब प्रभावित हो सकता कि कैंसिल किया जा सकता था। जनवरी में एक कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसीलिए 101% जनवरी में पेपर होगा। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो तैयारी नहीं होगा। अब भी नहीं करिएगा तब कब करिएगा? अब बाकी हमारा काम है बताना आप लोग की तैयारी करना है। चीजल किस मीटर? सबसे पहले मैं बता दूं, जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो चीजल जो होता है वह जनरली हाथ द्वारा चलाया जाता है, अर्थात वह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील के बारे में थोड़ा सा और जानिए। यह कार्बन स्टील जो होते हैं ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला लो कार्बन स्टील होता है, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील होता है, और तीसरा हाई कार्बन स्टील होता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3% तक होता है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3% से 0.7% तक होता है, और हाई कार्बन में 0.7% से 1.5% तक होता है। हाई कार्बन स्टील का वैसे जगह प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग आपको हाथ द्वारा किया जाता है। देखिए, बुक आप लोग को डेली यहाँ पार्सल होता है बुक, और आपको हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ सोनी कुमार, हाँ कर रहे, अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट के बाद कॉल करिएगा यूट्यूब पर। देखिए, ये जो मतलब कि जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ICDP स्विच का पूरा नाम क्या है? यह अलग तरह के क्वेश्चन है, इसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। ICDP, हेलो, यूट्यूब पर लाइव है अभी? हाँ देख लिया, यूट्यूब पर लाइव है जी। क्या है ICDP? आयरन कोल्ड डबल पोल का स्विच होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत दबाव को किस मापन द्वारा? देखिए, एक और क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन में विद्युत धारा देता तो विद्युत धारा समझिएगा पहले, फिर से मैं बता दूं। करंट मापने के लिए जो मीटर यूज करते हैं वह एम्पियर मीटर यूज करते हैं। कौन सा मीटर? एम्पियर मीटर यूज करते हैं, और एम्पियर मीटर 2 प्रकार के होते हैं, वेस्टर्न एम्पियर मीटर और हॉट वायर एम्पियर मीटर। वेस्टर्न एम्पियर मीटर के द्वारा डीसी करंट मापा जाता है, और हॉट वायर एम्पियर मीटर के द्वारा एसी और डीसी दोनों मापा जाता है।
वोल्ट मीटर, इसका ऐसे आंसर होगा ए, विद्युत दबाव कह रहा है, विद्युत करंट कहता तब एम्पियर मीटर होता, विद्युत दबाव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और एक बात और क्वेश्चन आता है जो वो भी स्पष्ट कर दूं आपको, क्वेश्चन पूछता है कि वोल्ट मीटर को सर्किट के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को सर्किट का हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एमीटर को, एम्पियर मीटर को सर्किट के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। इस तरह से मीटर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम अपना जो पेड कोर्स ऑनलाइन है उसमें मीटर पढ़ा रहे हैं, और जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, उसमें भी हमारा ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का खोज, आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी बोरिंग टेक्नीशियन के देख रहे हैं और लाइव हैं, तो कम से कम जो भी आपके पास फ्रेंड्स होंगे या ग्रुप होंगे तो यह वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लाइव क्लासेज बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। खुद सोचिए, अभी हमारा नाइट ड्यूटी था, अभी हम निकले हैं और उसके बाद हम क्लास लेना आप लोग के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। ड्यूटी से आके अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लेने जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा तो क्लास लूंगा, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, कौन किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है। इसका खोज गोल्ड स्मिथ ने किया था, गोल्ड स्मिथ ने किया था, कब किया था, 1911 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1 लीटर बराबर क्या होगा, बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में ड्रिलिंग करने से पहले, ड्रिलिंग करने से पहले गाइड होल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच क्या है, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है, और इसका सेंटर पंच का यूज किया जाता है। सेंटर पंच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। एक और होता है प्रिक पंच, प्रिक पंच होता है, इसका जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है। और एक होता है डॉट पंच, उसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए किया जाता है, और क्या बोलते हैं, डॉट पंच का प्रयोग आपको विटनेस लाइन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात मार्किंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लीकेज वाली केबल से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लीकेज वाली केबल है और उससे बचाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। ऑप्शन, लाइन के ऊपर सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, लीकेज है तो सेफ्टी बेल्ट भी लगाएंगे तो लीकेज रहेगा ही। लाइन के ऊपर सेफ्टी रस्सी लगाते हैं, लाइन के ऊपर लोहे चेन लगाते हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कुछ नहीं, उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो है, 10-10 नंबर, तापीय प्रभाव का उदाहरण क्या है, तापीय प्रभाव का एग्जाम्पल क्या है। हेलो, नमस्ते, अभी क्लास में ले रहा हूं यूट्यूब पर, मैं बात करता हूं थोड़ा देर में। करेंगे तापीय प्रभाव किसके कारण, जनरेटर जो होता है, जनरेटर तापीय प्रभाव से थोड़ी चलता है, जनरेटर को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेडियो भी तापीय, थिएटर भी तापीय प्रभाव से नहीं होता है, तो यह क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेगा घूर्णन की दिशा
डीसी मोटर में किस नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीसी मोटर, पहले आप, हम कल बताए थे भी पेड कोर्स में कि दोनों हाथ में से मजबूत हाथ कौन है? दायां हाथ। जो हाथ जनरेट करता है वह मजबूत होता है और जो खपत करता है वह कमजोर होता है। तो जनरेटर जनरेट करता है अर्थात दाएं हाथ के नियम पर काम करेगा और मोटर खपत करता है अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करेगा। प्रोटॉन की खोज आप लोग रदरफोर्ड पढ़े हैं, लेकिन रदरफोर्ड नहीं होता है, प्रोटॉन का खोज जो होता है वह गोल्डस्टीन ने किया था 1911 ईस्वी में। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आपको डीसी जनरेटर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, फराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फराडे का नियम, फराडे के नियम है क्या पहले ये समझिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आता हूं, अभी कोचिंग में आता हूं तो बात करता हूं। तो मैं आता हूं आपके रूम पर आ जाऊंगा। ठीक ठीक ऑफलाइन बच्चे का कॉल आते ही रहता है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है क्या। फराडे के, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या क्वाइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूज होता है और जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है। अब इसमें कह रहा है कि निगेटिव क्या है, तो कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के विरोध चिन्ह को आपको निगेटिव चिन्ह बताता है, अर्थात 20 का सी होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम कार्य करता है। देखिए, किरचॉफ का दो नियम है, एक केसीएल नियम है जिसको पहला नियम के नाम से जानते हैं और एक केवीएल नियम है जिसको दूसरा नियम के नाम से जानते हैं। केवीएल मतलब वोल्टेज लॉ नियम है और केसीएल मतलब करंट लॉ नियम है। अब केवीएल और केसीएल में आपको दोनों जो है वह एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, अर्थात 13 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, विद्युत अपघटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत अपघटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन मतलब वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी किया जाता है, धातुओं की विद्युतीय शोधन में भी किया जाता है, अर्थात डी होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह एक फीटर में टॉपिक भी है पढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते हैं। कहते हैं कि कोई भी धातु को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए अर्थात जंग से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षा कवच अर्थात एक लेप चढ़ाते हैं, उसी क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, नहीं उस क्रिया को एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। और एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट यानी कि किसी भी धातु पर एक लेप लगाना, और वह लेप क्यों लगाते हैं, बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए, उस क्रिया को बोलते हैं एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट, उस क्रिया को बोलते हैं एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। अब बोलिएगा कि एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक टेम्पोररी होते हैं, एक सेमी परमानेंट होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। अब बोले टेम्पोररी क्या होता है, तो अगर लोहे
पर जंग लग रहा है तो सुने होंगे कि मिट्टी का तेल लगाते हैं, तो जो मिट्टी का तेल लगाते हैं वह जो है एक प्रकार का टेम्प्रोरी एंटीक्रोसिव ट्रीटमेंट है। अगर उसी पर आप क्या करिएगा कि पारवा में जैसे गैल्वेनाइजिंग करिएगा, लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाइएगा, तो यह सेमी परमानेंट एंटीक्रोसिव ट्रीटमेंट है। अगर धातु पर धातु का परत चढ़ा रहे हैं वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक तो आपको जो घोल होता है यह घोल हो गया और दूसरा हो गया जॉब। तो इसमें याद रखिएगा जॉब को माइनस से आपको जोड़ा जाता है, जिसका परत चढ़ाना है उसको प्लस से। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपको करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर होता है, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा डीसी करंट पर किया जाता है, डीसी लो करंट पर किया जाता है। आगे है प्रिंसिपिया पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? न्यूटन साहब के बारे में आप लोग भी जाने होंगे। न्यूटन साहब ने आपको गति के नियम का वर्णन किए गए हैं और कहा भी जाता है उनके बारे में कि उन्हें भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं, भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का अगर पिता पूछा जाएगा तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता आपको जे.जे. थॉमसन को कहा जाता है। अब बताइए आप कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन साहब ने एक पुस्तक लिखा था 1686 ईस्वी में। कब लिखा था? 1686 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया और उस पुस्तक में गति के बारे में ही वर्णन किए थे। वह उस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किए थे? गति के बारे में ही वर्णन किए थे। अगला क्वेश्चन है, तेलीय आग को किस श्रेणी में रखते हैं? तेलीय आग को सबसे पहले ये जो है क्लास ए, ये लकड़ी, कोयला अर्थात ठोस पदार्थ इसमें लगते हैं। क्लास बी जो होता है वह वाइल फायर रखते हैं अर्थात तेलीय पदार्थ में लगते हैं। सी जो होते हैं वह गैस फायर के अंतर्गत आते हैं और डी जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक फायर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन तेलीय अर्थात क्लास बी, और क्लास बी को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंक्शर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फोम फायर एक्सटिंक्शर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह हम सिंबल सेफ्टी एंड फायर में पढ़ाए थे आपको, किसके कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। बैकग्राउंड जो पीला होता है, चिन्ह का रंग काला होता है, यह आपको त्रिभुजाकार होता है, ऐसे होता है। और बैकग्राउंड जो होता है वह पीला कलर का होता है, यह बैकग्राउंड पीला कलर का, जो लिखा हुआ रहता है वह काला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य, परिदृश्य मतलब होता है बैकग्राउंड। सूचनात्मक चिन्ह कोई भी चीज, जैसे आप रोड पर चलते हैं आगे हॉस्पिटल होता है तो एक बोर्ड लगा होता है और वहां दिखाता है कि क्या आपको सूचना चिन्ह दे रहा है। तो सूचनात्मक चिन्ह हमेशा जो हरा कलर का होता है, हरा कलर इसमें ऑप्शन में नहीं है, अर्थात कैसा होता है? हरा कलर का होता है और उस पर लिखा हुआ रहता है व्हाइट से, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं, वर्कशॉप में जो आग लगता है वह आपका ज्यादातर इलेक्ट्रिक के द्वारा लगता है और वह शॉर्ट सर्किट के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? शॉर्ट सर्किट के द्वारा लगता है। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन को देखिएगा, चुपचाप देखे, उसके बाद करें तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली का मेन स्विच को बंद कर दें, फायर ब्रिगेड को सूचित करें। सबसे पहले बिजली के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए।
ठीक है, आने की 19 का सी होगा। अगर आसपास आपका बिजली का स्विच है तो सबसे पहले बिजली के स्विच को बंद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है, बताइए। आप लोग कमेंट करिए। ए होगा, छाती के बल या उसको औंधे मुंह बोलते हैं, वह सेफर विधि द्वारा, सेफर विधि कहलाता है। औंधे मुंह या छाती बल, अगर पीठ के बल लिटाता है उसको बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि, और एक माउथ टू माउथ होता है उस विधि को लाबोट विधि भी बोलते हैं। एक होता है कृत्रिम श्वसन विधि, तो वह तो सब जगह लेकर चलते नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में ही होता है, तो यह आपको दूर रहता है। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ को लाबोट विधि भी बोला जाता है, लाबोट विधि भी बोला जाता है, यह सबसे आसान विधि होता है। अगला क्वेश्चन है, साइन बार निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए साइन बार होता कैसा है, यह आपको साइन बार है, यहाँ दो रोलर लगे होते हैं। क्वेश्चन आता है कि साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी होता है। एक क्वेश्चन और आता है साइन बार से, वो भी बता दूं। साइन बार में स्लॉट क्यों कटे होते हैं, तो यह जॉब को क्लैंप करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है साइन बार से, साइन बार में स्टॉपर का काम क्या होता है, जॉब को फिसलने से बचाता है। ऐसे जनरली जो साइन बार का काम है, टेपर जॉब को एक कोन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 21 का जो आंसर होगा वह ए होगा। अगला क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर, यह जो है यहाँ जीरो होता है, इधर भी आपको डिवीजन बना होता है, इधर भी डिवीजन बना होता है, तो यह अगर क्लॉक वाइज घूमता है ना तो प्लस में माइनस लेता है, प्लस में रीडिंग लेता है। अगर यह एंटी क्लॉक वाइज घूमता है तो यह माइनस में रीडिंग लेता है, निगेटिव रीडिंग लेता है। तो और यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि डायल टेस्ट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेक और पिनियन के सिद्धांत पर, लेकिन इसमें पूछ रहा है निगेटिव रीडिंग, तो जब नीडल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज, हम पहले ही बोले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमेगा तो माइनस लेगा, और जब क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेगा तो प्लस में रीडिंग लेगा। अर्थात 22 का सी। डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में एक और जान लीजिए, इसका किस सिद्धांत पर काम करता है, यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह रेक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, आप लोग जो भी लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग शेयर कर दीजिए सभी जगह, और जो लोग बुक के बारे में जानकारी ले, देखिए अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यह चार बुक है बोरिंग टेक्नीशियन का, हम लोग पूर्ण रूप से यह बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यह वाइंडिंग पढ़ने वाला है, यह वाइंडिंग पढ़ने वाला है। दूसरा बुक है आपको 2500 MCQ, यानी यह चैप्टर वाइज है, और तीसरा यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और एक चौथा भी बुक जो है वह भी मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और उसमें दिया गया। चारों बुक लीजिएगा 1400 रुपये में, 9 बजे के पहले अगर ऑर्डर करते हैं ना तो पैकिंग हो जाएगा, आज ही निकल जाएगा, डेली बुक पार्सल यहां से निकल रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। जिनको डीपली पढ़ना है वह ऑनलाइन पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आने में सक्षम है जबलपुर तो आकर भी पढ़ सकते हैं। अब सोचिएगा कि आखिर ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर क्या है। ऑफलाइन बैच जो हमारा है, सिलेबस के अलावा फीटर का करीब करीब इलेक्ट्रिकल का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम हॉल से निकलते समय अफसोस न हो, ताकि यह चैप्टर पढ़ लेते तो रिजल्ट हो जाता। अब बोलिए कि आउट ऑफ सिलेबस आखिर आप क्यों बोल रहे हैं, तो UP SSC का नियम है, कभी भी
पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2015-16 में भी देखिएगा तो पेपर में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया था, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको मोटर पढ़ना पड़ेगा, जनरेटर पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर मीटर पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए। और बाकी आप जो कमेंट कर रहे हैं गरीब स्टूडेंटों के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर बोरिंग टेक्नीशियन का सबसे ज्यादा क्लासेज है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, फ्री में भी लाइव क्लासेज अवेलेबल है, जो पढ़ सकते हैं वह फ्री वाला भी पढ़िए। जिनको लगता है कि नहीं और ज्यादा हमें डीपली पढ़ना है तो ऑफलाइन क्लास है। अब बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो वीक होते हैं, उनको कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, अभी क्लास खत्म होगा दे दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के बारे में आप चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीट्रिक पद्धति में वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर का यह कुल रीडिंग दिया है 22.579। तो कह रहा है कि इसमें से असत्य क्या है, गलत कथन को चुनना है। सबसे पहले यह 22.579 जो दिया है एमएम, इसका रेंज क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, रेंज जो होता है वह आपको 0 से 25 के बीच में है। अब बोलेगे एमएसडी क्या है इसका, एमएसडी 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इसका सब डिवीजन क्या है, तो देखिए पॉइंट के बाद अगर 50 से अधिक है, पहला दो अंक 50 से अधिक है तो सब डिवीजन होगा, अर्थात सब डिवीजन का मान 1 होगा। आप देखिए यहां सब डिवीजन का मान 1 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उसके बाद सब डिवीजन का मान 1 है, 1 सब डिवीजन का मान होता है 0.5 यानी कि 50 होता है, तो 57 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचा, 7। तो जो 7 बचा वह आपको क्या चीज बचा, थिंबल डिवीजन का मान बचा 7। और लास्ट का जो अंक होता है हमेशा वह आपको VSD का मान होता है। तो देखिए तो यहाँ VSD का मान 7 दिया है, जबकि होना चाहिए था 9। यह 7 किसका मान है, थिंबल डिवीजन का। ऑप्शन नंबर डी गलत है, 7 के जगह वहां आपको क्या, 7 के जगह यहाँ पर 9 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लैंज में सुराख हो सकते हैं। फ्लैंज देखे होंगे दो पाइप को, जब बड़ा बड़ा आप इतना मोटा मोटा पाइप जो हो जाता है तो जोड़ने के लिए एक फ्लैंज का प्रयोग करते हैं। उस फ्लैंज के नट बोल्ट के द्वारा आपको जोड़ा जाता है, उस फ्लैंज में कितने होल होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटा डायमीटर का होगा तो कम होगा, बड़ा डायमीटर का होगा तो अधिक होगा, अर्थात कहा गया है 4 से 24 सुराख होते हैं। अब बोलिए कि यह कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यह पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है। और आपको मालूम होगा कि 2015-16 में जो पेपर हुआ था वहां पाइप फिटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे। अगला है, पाइप फिटिंग में निम्न में से किसका साधन के साथ 4 पाइप लगाए जाते हैं, यानी किस साधन के साथ है? यानी कि ये जो टी एल्बो क्रॉस वाई पीस दिया है, इस किसके साथ आपको 4 पाइप लगाया जा सकता है। देखिए टी तो होता है ऐसा, तो इसमें 3 ही लगाएंगे ना, एक इधर एक इधर एक इधर, तो टी तो होगा नहीं। एल्बो जो होता है वह इस तरह होता है, तो एक इधर 2 ही लगा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। वाई पीस जो होता है वह वैसे होता है, तो ये भी 3 ही होगा, ये तो नहीं होगा। क्रॉस जो होता है ना, यह 4 होता है, ऐसा होता है, एक पाइप इधर लगा दीजिए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वह सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग मेन पाइपलाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि मेन पाइपलाइन से ब्रांच लाइन में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। पेपर जनवरी में होगा, 101% होगा, फर्स्ट वीक नहीं तो सेकंड वीक,
थर्ड वीक भी नहीं जाएगा। आप अगर यह सोच रहे हैं कि थर्ड वीक जाएगा तो थर्ड वीक भी नहीं जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक। बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी होता है कि सर क्या है आचार संहिता लग जाएगा, तो आचार संहिता से एग्जाम प्रभावित नहीं होता है, याद रखिएगा आचार संहिता से एग्जाम प्रभावित नहीं होता है। कोई वैकेंसी भले प्रभावित होता है तो एग्जाम प्रभावित कब होता, जब जनवरी में ही एग्जाम था और जनवरी में ही चुनाव होता तब प्रभावित होता, ऐसे प्रभावित नहीं होगा। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं अभी यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे के बाद कॉल करिएगा, ठीक है। इसका आंसर फेरुल होगा। फेरुल का प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन में करने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड में से किस माध्यम द्वारा काटा जाता है। जीआई पाइप जो होता है तो बाहरी थ्रेड काटना है, बाहरी थ्रेड काटना है। तो याद रखिएगा कभी भी बाहरी थ्रेड काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड काटना है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, डाई का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डाई का। याद रखिएगा डाई के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड बाहरी थ्रेड काटा जाता है और टेप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है पैक कार्बोराइजिंग, यह जो है हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन है। आप जानते हैं कार्बोराइजिंग के बारे में, कार्बोराइजिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। होता क्या है केस हार्डनिंग का यह प्रकार है। बोलिएगा कि केस हार्डनिंग आखिर क्या होता है, तो किसी भी जॉब के ऊपरी सरफेस को हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग किया जाता है। किसी भी सरफेस के ऊपरी सरफेस को हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग। एक और बात, जिस जॉब पर हार्डनिंग संभव नहीं होता है उस जॉब को केस हार्डनिंग किया जाता है। जिस जॉब पर हार्डनिंग संभव नहीं है उस जॉब पर केस हार्डनिंग किया जाता है। एक मिनट जी आप लोग थोड़ा सा, जिस जॉब पर हार्डनिंग संभव नहीं है उस पर केस हार्डनिंग। एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हार्डनिंग जो किया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से अधिक होता है उस पर हार्डनिंग किया जाता है। केस हार्डनिंग 0.3% से कम अर्थात इस पर भी कभी कभी 0.7 से नीचे वाला पर हार्डनिंग। ऐसे जनरली जो केस हार्डनिंग किया जाता है वह माइल्ड स्टील पर किया जाता है। केस हार्डनिंग किया जाता है माइल्ड स्टील पर किया जाता है। पैक कार्बोराइजिंग होता क्या है, एक कास्ट आयरन का बॉक्स होता है और बॉक्स में जॉब को रख देते हैं और चारों तरफ कार्बनीकृत पदार्थ रखा जाता है और उसको जो है 900 से 950 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 900 से 950 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो है गर्म किया जाता है और तब आपको कार्बोराइजिंग होता है। अर्थात 28 का आंसर जो होगा वह डी होगा। हाँ बोलिए। हेलो 28 का आंसर जो होगा वह डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29, नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया जो होता है छोड़ा जाता है तो कितना टेम्परेचर उत्पन्न करता है। अमोनिया कितना टेम्परेचर उत्पन्न करता है, 500 से 650 करता है। 500 से जनरली जो वह 650 करता है, यहाँ 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 29 का ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। गैस साइनाइडिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कॉमेंट करिए। गैस साइनाइडिंग में
किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यूज किया जाता है। पॉलिटेक्निक का बुक नहीं है, आईटीआई से रिलेटिव बुक है। अगला क्वेश्चन, रेफरेंस गेजों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए आप लोग। रेफरेंस गेजों का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म मापी यंत्रों को चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। उसके बाद है, अन्य गेजों को 0.00025 mm से परिशुद्धता में चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी कि 31 का डी होगा। शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी मिलाया जाता है। गलनांक को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटीमनी का बढ़ाने के लिए, किस क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए बिस्मथ मिलाते हैं, घटाने के लिए। एक और बता दूं, सोल्डरिंग जो किया जाता है, सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर किया जाता है। ब्रेजिंग जो किया जाता है 450 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। फोर्जिंग जो किया जाता है 900 से 1600 तक। और वेल्डिंग जो किया जाता है 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ये भी सब पॉइंट को आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से किस धातु की सोल्डरिंग नहीं की जा सकती है? किस धातु की सोल्डरिंग जो है वह नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन बताइए। एंटीमनी को सोल्डरिंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग आपको सिलेबस में दिया हुआ है जी। सोल्डरिंग के लिए निम्नलिखित में से को क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? कह रहा है सोल्डर मजबूत होना चाहिए, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाले धातु से कम होने चाहिए, ये भी सही है। सोल्डर में बहाव का गुण अच्छा होना चाहिए, उपरोक्त सभी होगा। आर थर्ड इसका 34 का डी होगा। अब उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। BIS के अनुसार से स्क्वायर स्टील बार का डिग्निनेशन निम्न में से किसके अनुसार किया गया है? डिजाइन या डिग्निनेशन किसके अनुसार से किया गया है, बताइए। 34 का आंसर क्या होगा? यह हमारे हिसाब से जो बुक में दिया हुआ है, साइड की चौड़ाई के बाद वर्ग का चिन्ह लेकर, नहीं, स्क्वायर और लंबाई के अनुसार से होता है। यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर डी होगा। आगे दिया हुआ है 36 नंबर, हाइपोयूटे टाइटल स्टील में क्या आपको कार्बन की मात्रा कितना होता है, बताइए। 36 नंबर, 0.08% से अधिक होता है, ठीक है। यह सब था, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन था। निम्न में से स्टील की हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टील के घिसावट को रोकना, आगे देखिए, अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाना, स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करना। 37, बताइए। सभी ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि सही है। ऐसे एक बात और बता दूं, हार्डनिंग क्यों करते हैं जॉब को? तो दो ही पर्पस होता है, या तो आप किसी भी जॉब को कटिंग योग्य बनाने के लिए किया जाता है, या घिसावट को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही सही होगा। ऐसे घिसावट और कटिंग योग्य बनाने के लिए भी करते हैं, दूसरी धातु काटने के लिए भी करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन पहले आएगा उसी को सही माना जाता है, अर्थात ए होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
ड्यूरेलुमिन की एनीलिंग करने के लिए क्या सबसे पहले एनीलिंग करते क्यों हैं? तो किसी भी जॉब को सॉफ्टनेस का गुण लाने के लिए, मुलायम करने के लिए, मशीनी गुण लाने के लिए एनीलिंग किया जाता है। किसी भी जॉब को फाइन ग्रेन उत्पन्न करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। तो कह रहा है कि एनीलिंग जो किया जाता है किस तापमान पर किया जाता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, सी। अगला क्वेश्चन है 39। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपाती होता है, स्केल क्या कहलाता है? करेंगे दो अंशांकन के बीच की दूरी अंशांकन के मान के समानुपाती होता है, यह कौन सा स्केल कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए। रेखीय स्केल, लीनियर स्केल बोलते हैं। देखिए स्केल दो प्रकार का होता है, एक लीनियर स्केल, लीनियर स्केल होता है, और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब लीनियर स्केल किसे कहते हैं? जैसे लीनियर स्केल किसे कहते हैं, दो प्रत्येक दो डिवीजन की बीच की दूरी समान हो, प्रत्येक दो डिवीजन की बीच की दूरी समान हो, और प्रत्येक दो डिवीजन की बीच की दूरी जो होता है उसका वैल्यू भी समान हो, इसलिए बोलता है कि यह समानुपाती होता है। नॉन लिनियर क्या होते हैं? यह आपको देखे होंगे कोई स्केल में कि शुरू में घना घना होता है और लास्ट में दूर दूर होता है, यह एक प्रकार के नॉन लिनियर स्केल है। नॉन लिनियर स्केल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सघन से विरल, एक विरल से सघन। जो शुरू में नजदीक नजदीक रहता है तो सघन से विरल, और जो शुरू में ही दूर दूर रहता है वह विरल से सघन होता है। तो याद रखिएगा स्केल दो प्रकार के होते हैं, लिनियर स्केल और नॉन लिनियर स्केल। संयोजन सेट का उपयोग बताएं। संयोजन सेट जान रहे हैं क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बोल रहा है। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बोल रहा है। कॉम्बिनेशन सेट का यूज किया जाता है लेआउट करने के लिए भी किया जाता है, मापन के लिए भी किया जाता है, कोण को चेक करने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट कहीं पर भी यूज हो, थर्मोस्टेट कहीं पर भी यूज हो, हमेशा इसका प्रयोग टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट कहीं पर भी यूज हो, हमेशा उसका प्रयोग टेम्परेचर को नियंत्रण, तापमान को कम करना, हिमालय ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, अर्थात टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। यह रेफ्रिजरेटर में भी होता है, गाड़ी में भी होता है, हर जगह थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं, जहां जहां टेम्परेचर की आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, ज्वालामुखी में, कृत्रिम उपग्रहों में, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया किसमें होता है? तारों में जो होता है वह तो संलयन अभिक्रिया होता है, ठीक है, संलयन अभिक्रिया होता है। पृथ्वी के जो केंद्र पर होते हैं अभी क्लास ले रहा हूं जी, थोड़ी देर के बाद कॉल करिएगा। तारों में होता है नाभिकीय अभिक्रिया, मतलब संलयन अभिक्रिया तारों के अंदर होता है। अब विखंडन, एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है, विखंडन परमाणु बम में होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? देखते हैं 43, बताइए ऑप्शन, आप लोग कमेंट करिए। हिमरोधी, क्योंकि क्या है ना कि ठंडे प्रदेशों में तेल जम जाता है, तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है ताकि वह जमे नहीं, इसीलिए मिलाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर का मान बढ़ने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक बटा एक हजार होता है ना, तो क्या होगा 0.001 mm, अर्थात डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? 45 का डी होगा। बहुत अच्छा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है वह किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और ये तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, 10th क्लास में आपको पढ़ना होगा, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। क्या मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं, और यह प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि 47 का जो आंसर होगा वह बी होगा। 48 क्वेश्चन है, 5 m³ आयतन वाली वस्तु का घनत्व इतना है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। तो ये न्यूमेरिकल है, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बाय वॉल्यूम होता है। हमको निकालना क्या है? एम निकालना है, तो एम इज इक्वल टू डी गुने वी होगा। डी का मान दिया हुआ है 0.05 और वी का मान दिया 25, कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा? 2 अंक के बाद, इतना 0.25 kg, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान भार घनत्व से है। आपको मालूम भी होना चाहिए कि द्रव्यमान भार घनत्व बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर बुक मंगवाना चाहते हैं बोरिंग टेक्नीशियन का, यह 4 बुक है, तो आप लोग, एक पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मार्केट में कोई ऐसा बुक नहीं है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग 9-10 बजे से पहले ऑर्डर करिएगा, तो आज ही पार्सल हो जाएगा, नहीं तो आपको एक दिन बाद होता है। अगला क्वेश्चन 49, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। भार है ना 600 न्यूटन, भार इज इक्वल टू 600 न्यूटन, भार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एम जी, और हम जानते हैं कि हमारे भार से चंद्रमा का भार 1/6 होता है, तो यह काटेंगे तो क्या होगा? 100 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर भार कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। ठीक है, 100 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनत्व का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले डी इज इक्वल टू फॉर्मूला का होता है, द्रव्यमान बटा वॉल्यूम होता है। तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, केजी में, वॉल्यूम को क्या मापते हैं? मीटर क्यू में। तो केजी प्रति मीटर क्यू, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 51, लोहे के टुकड़े का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करें। लोहे के टुकड़े का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करें। यदि टुकड़े का घनत्व 4200 kg/m³ है और जल का घनत्व इतना है। अब बताइए, घनत्व दिया हुआ है और जल का घनत्व, टुकड़े का घनत्व दिया, तो अपेक्षित घनत्व इक्वल टू क्या होता है? पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व इतना है। जल का घनत्व, तो जल का घनत्व इतना है। 1 0 1 0 1 0 1 अंक के बाद 4.2 आएगा। यह भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है, द्रव्यमान भार घनत्व, यह भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है। साफ नहीं दिख रहा है, और किसी को दिक्कत हो देखने में? हो सकता है कि आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अब तो क्लास होगी, 8-9 क्वेश्चन बचा है, चलिए देख लेते हैं, अगला बार देखेंगे इस बात को।
अब दिख रहा है, देखिए अब बताइए दिख रहा है। ठीक है, कह रहे सोने का घनत्व इतना दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर क्यूब सोने का द्रव्यमान इतना ज्ञात करे, द्रव्यमान ज्ञात करे, एम ज्ञात करने के लिए। यह भी द्रव्यमान भार घनत्व का निमुर्कल है, बनाइए कैसे बनेगा। देखिए डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एम इज इक्वल टू होगा फिर डी इंटू वी। डी का मान दिया है 19.3 इंटू 10³ और इसका मान दिया है 10। कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यह जो है ना कहीं गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये से आपको पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं होगा, यहाँ घनत्व अपेक्षित घनत्व का मान दे दिया है। ठीक है, देखो उधर होगा तो कितना होगा, 193 ग्राम होगा। आगे एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, 10⁷ पास्कल क्या होगा, 10⁵ पास्कल होता है। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है बल का गुणनफल क्या होता है, बल का गुणनफल गुणनफल आपको एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, द्रव्यमान बाई त्वरण, यूनिट निकालेगा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोला जाता है न्यूटन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को आपको बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब वस्तु पर त्वरण कार्य करता है, जब वस्तु पर तो इसका वेग हमेशा बढ़ता है, चाल हमेशा बढ़ता है, बल हमेशा कार्य करता है, इसका समय इसका वेग हमेशा बढ़ता है, त्वरण जब होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, अर्थात हमेशा बढ़ेगा। अगला है एक पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो उसके घन प्रसार गुणांक यानी कि वैल्यूम प्रसार गुणांक क्या होगा, अल्फा 3 होगा। क्यों, अल्फा बीटा और गामा में जो संबंध होता है 1:2:3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दबाव बढ़ने पर ठोस का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, दबाव जब बढ़ता है तो ठोस के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है एक और देख लीजिए, किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ताप 1°C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यह 1 kg द्रव्यमान मत करिए, यहाँ 1 ग्राम कर लीजिए, 1 ग्राम पदार्थ के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, आवश्यक ऊष्मा अर्थात विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री यानी कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है, रूमर में 29.6 रूमर होता है और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो यह था आपको। आगे है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100°C से कम तापमान पर उबलने लगता है। ऐसे एक बात और फिर से मैं बता दूं, हमारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है 120 क्वेश्चन का है, लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन करवाते हैं, हम टेक्निकल का टीचर हैं तो हम 60 नंबर तक ही करवाते हैं, लेकिन जो यही बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना तो उनको 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कराया जाता है। जो लोग सीरियसली होकर तैयारी करना चाहते हैं तो या तो 3 विधि से तैयारी कर सकते हैं, या तो यह बुक है बुक मंगवा लीजिए, या ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, या अगर ऑफलाइन आने में सक्षम है, जिनकी लास्ट एज चल रही है, ये विश्वास है कि इसके बाद नौकरी नहीं लगेगा, तो हमारे ऑफलाइन क्लास में जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छा क्लास है
और वहां आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि बाद में यह अफसोस ना हो कि हम ताकि कुछ और पढ़ते तो हमारा रिजल्ट कंफर्म होता। हाँ, कोचिंग में वेट कर रहे हैं लोग, 8 बजे से मेरा क्लास है। ओके, बाय बाय।